गाइस डॉक्टर निताशा, डिलीवरी के बाद बहुत जरूरी होता है 2 महीने आराम, वरना लेडीज का पूरा ही शरीर खराब हो जाता है। जिन लेडीज का ध्यान नहीं रखा जाता उनके सर में दर्द बना रहता है, उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, उनके जॉइंट्स में इतना पेन होता है जैसे ही वो एसी के नीचे बैठती है, या फिर मौसम चेंज होता है, बारिश होते हैं, उनके जॉइंट्स दुखने लगते हैं। बहुत जरूरी है, अगर आपने 2 महीने अपने शरीर पे ध्यान दिया तो आपको इन किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी वजह से आपकी डिलीवरी के बाद आपका ध्यान नहीं रखा गया और आपको अब ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये सब रेमेडीज लेके अब भी अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। आइए मिलवाते हैं एक ऐसी देहाती औरत से। हम लोग पढ़े लिखे होके भी अपने शरीर का उतना ध्यान नहीं रख पाते जितना देहाती लोग रख लेते हैं। इस देहाती औरत को वो सारी ही रेमेडीज पता है जिससे लेडीज बिल्कुल ठीक रहती हैं। डिलीवरी के बाद बहुत जरूरी है ध्यान रखना, तो आइए मिलवाते हैं इस देहाती लेडीज से। अम्मा ने ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से अम्मा का पेट बिल्कुल पतला है, इनकी बहुओं का पेट बिल्कुल पतला है, तो अब अम्मा बताएंगी कि डिलीवरी के बाद जच्चा इनके यहाँ पे क्या खाती है। तो आप बताएं, जच्चा आपके यहाँ पे क्या खाती है जिससे बिल्कुल पतली है? हमें जच्चा खाती है, हरीरा बनाते हैं। अच्छा, हरीरा ये कैसे बनाते हो आप? गुड़ डालते हैं उसमें, अजवाइन, सौंठ, हल्दी, अच्छा, और सब मेवा, ठीक है, डाल के घी में बनाते हैं। घी में बनाते हैं, घी में बना के घोट रहे खूब। अच्छा, आप और उसमें गोला भी बताना चाह रही थी। गोला भी डालते हैं। अच्छा, और ऐसे रखते हैं थोड़ा पत्रो, ठीक, मतलब चम्मच से खा ले रहेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, तो इससे देते हैं जच्चा को। ये बच्चे के लिए भी अच्छा है? हाँ, बच्चे के लिए अच्छा है, जच्चा के लिए अच्छा है। बच्चा जच्चा के पेट में दर्द फर्द नहीं होगा, जो बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और इससे दूध भी बनता है। हाँ, दूध भी। जिस रेमेडीज की ये लेडी बात कर रही है वो सारी ही चीजें हम आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे उन्हें बना के आप खाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये हर्रा बनता है जो लेडीज को डिलीवरी के बाद दिया जाता है। हरीरा बनाने के लिए आपको लेने हैं 100 ग्राम मखाने, 100 ग्राम गुड़, 20 ग्राम मिक्स सीड्स, 20 ग्राम अखरोट की गिरी, 50 ग्राम गोला, 25 ग्राम बादाम, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम अजवैन, 10 ग्राम सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, 10 ग्राम काली पीपल, 10 ग्राम मोटी इलायची। अब आपको गुड़ और हल्दी को अलग करके इन सभी चीजों को पीस लेना है। इसका कारण ये है कि कभी भी जच्चा को ऐसी चीज ना दे जिसको खाने में उसको अपने दांतों से मेहनत करनी पड़े, क्योंकि अगर वो कोई भी चीज खाती है चबा चबा के मेहनत से तो उसके दांत कमजोर हो जाते हैं। जच्चा को जो भी आप चीज दे वो गला के या पीस के दे जिससे उसमें दांतों की मेहनत ना करनी पड़े। तो अब आपको हरीरा बनाने के लिए कढ़ाई में डालना है देसी घी, उसमें डालना है 1 चम्मच ये पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गुड़, और इसको पका के आप जच्चा को गरम 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 दूध के साथ रोज सुबह ब्रेकफास्ट में दें। इससे जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद। अच्छा अम्मा, मुझे ये और बताओ कि जो आपने बताया कि आप जच्चा को ये सब देते हैं, तो क्या ये आप कैसे देते हैं और कौन से मौसम में दे सकते हैं? सर्दियों में ही देते हैं, और क्या कहते हैं, गर्मी में, चौमासे में, कौन से समय हो गए, 12 महीना की साल होती है, सब दिनों में देते हैं यही सौदा। अच्छा, ये आप जच्चा को दे सकते हैं बिल्कुल, इससे जच्चा को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा ठीक है अब्बा जी, धन्यवाद। और आप जच्चा को ऐसा क्या करते हैं जिससे उसका शरीर बिल्कुल ठीक रहता है? जच्चा को ये करते हैं, तेल में अजवाइन पीसते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, ठीक है, और उससे मलाई करते हैं, जच्चा की खूब सुताई करते हैं सारी देह की। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आप मालिश करते हैं जच्चा की। अच्छा, तो ये सर पे आप कौन सा तेल लगवाते हैं? सरसों का। सरसों का बिना अजवाइन मिले? हाँ। अच्छा, तो उसको गर्म करके लगाते हैं? हाँ, गर्म करके लगाएंगे, और जो मालिश करवाएंगे
उससे क्या कहते हैं वो अजवाइन डाल के बनवाएंगे। अच्छा, जो मालिश वाला रहेगा वो अजवाइन वाला रहेगा और सर वाला सिंपल रहेगा। और आप नहाने के लिए कौन सा पानी देते हैं? गरम, अजवाइन डाल के गरम पानी। उसमें अजवाइन रहेगी या कुछ और भी डलता है? अजवाइन डाल के, अजवाइन सिर्फ। इसके साथ साथ आप मुझे बताओ कि जच्चा कैसे रहती है, मतलब आप उसको क्या पहनने को देते हैं? पहनने को निकलती नहीं है, निकलने ना देती है, बाहर जाएगी जच्चा लेटरी बाथरूम तो मतलब भारी कपड़ा चद्दर अद्दर या शॉल फॉल उड़ के जाएगी। अच्छा, और घर में क्या पहनेगी जच्चा? घर में साड़ी। और हाथ पैरों में? हाथ पैर में कुछ नहीं, गर्मियों में कुछ नहीं पहरेगी, वही पहरी रही। ठीक है, गर्मियों में। और पंखा और एसी चलेगा? नहीं, बिल्कुल गर्मी में न चलेगा। गर्मियों में चलेगा पंखा? नहीं, नहीं, बिल्कुल पंखा बंद रहेगा, एसी से हवा करेंगे वैसे ही। अच्छा, हल्की हल्की हवा कर। ठीक है।